नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड नाम तो सुने होंगे आप लोग। क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करता है कस्टमर्स को, बैंक अपने एजेंट भी रखता है कस्टमर्स को। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का नाम सुनकर चौंक भी जाते हैं, बहुत सारे लोग संकोच में पड़ जाते हैं जो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या जो क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हैं। दोनों लोगों के मन में एक तरीके की भय और एक तरीके की प्रसन्नता बनी रहती है कि अरे क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला चार्ज कितना होता है, वो कैसे कैलकुलेट होता है और बैंक या फिर एजेंट आपको क्या बताता है। बैंक या एजेंट क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है और एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन होता है। नंबर तीन, क्या क्रेडिट कार्ड मुफ्त में मिलता है। दोस्तों, क्या क्रेडिट कार्ड मुफ्त में मिलता है। बहुत सारे बैंक, बहुत सारे एजेंट इस तरीके से कस्टमर्स को गुमराह करते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, पहले साल दूसरे साल बिल्कुल जीरो है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। इस वीडियो में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा एक एक चीज और आप ये वीडियो देख के चौंक जाएंगे कि अरे ऐसा भी होता है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले पाँच चार्ज कौन कौन से हैं जिनके बारे में अक्सर बैंक एजेंट आपको कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको इसके फायदे गिना दिए हैं और कहा है कि वह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, तो जरा सचेत हो जाएं, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड पर भी तमाम तरीके के चार्ज लगते हैं, जैसे कि पहला चार्ज है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। जी हाँ दोस्तों, सालाना चार्ज। कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस आप बैंक यूज करेंगे तो उस पर बैंक बिल्कुल एक चार्ज लेगा, फीस लेगा। ये ऐसा चार्ज है जो अलग अलग बैंक अलग अलग लगाते हैं। बहुत से ऐसे भी बैंक हैं जो ये चार्ज नहीं लेते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो ये चार्ज तो लेते हैं, लेकिन अगर आप एक तय सीमा से अधिक के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वह ये फीस वापस कर देते हैं। तो अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लें तो पहले यह देख लें कि बैंक उस पर सालाना चार्ज तो नहीं लगा रहा है, और अगर लगा रहा है तो उसकी पॉलिसी क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्रेडिट कार्ड बकाया पर ब्याज। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये चार्ज हर बैंक लगाता है, लेकिन उन्हीं पर लगाता है जो समय से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देते हैं। यानी कि अगर आप अपना ड्यू डेट तक भुगतान कर देते हैं तो ठीक, वरना क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से आप पर भारी भरकम ब्याज लगाया जाता है। ध्यान रहे कि मिनिमम ड्यू का भुगतान भी आपको भारी भरकम ब्याज से नहीं बचा सकता है, इसलिए हमेशा ड्यू डेट तक अपने क्रेडिट कार्ड की पूरा भुगतान जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, पूरा भुगतान जरूर करें, भले ही उसके लिए आपको कहीं और से पैसा लेना पड़ जाए, वरना आप पर 40-50% का इंटरेस्ट सालाना लगने वाला। दोस्तों, सचेत हो जाइए। अगला पॉइंट है कैश विड्रॉवल चार्जेस, कैश निकालने पर कितना चार्ज लगता है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से खर्च किया गया हर रुपया एक तरीके का लोन होता है। ऐसे में अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो ध्यान रखें कि अगर उस पर कैश निकालने के दिन से ही चार्ज लगने लगता है तो बहुत ही गलत है। यानी अगर आप कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको ड्यू डेट तक बिना किसी ब्याज के पैसे चुकाने होते हैं, लेकिन अगर कैश निकाल लेते हैं तो उस पर पैसे निकालने के दिन से ही पैसे चुकाने के दिन तक का ब्याज चुकाना होगा। ऐसे में ध्यान रहे कि जब तक सारे रास्ते बंद ना हो जाए तब तक क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें, वरना बहुत भारी नुकसान होगा। सरचार्ज को ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो सरचार्ज अमाउंट रिफंड का दावा करता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी रिफंड नहीं करती हैं। एक्चुअल बात क्या होता है कि रिफंड अमाउंट, जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे तेल भरवाते हैं तो वहाँ पर आपको एक सरचार्ज ड्यूटी, सरचार्ज देना पड़ता है। ये 500 से लेके 5000 तक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजैक्शन कितने का है। साथ ही हो सकता है कि आपको एक महीने में 100 रुपया 200 या बैंक की तरफ से कोई और तय रकम ही सरचार्ज के तौर पर रिफंड हो। ऐसे में क्रेडिट कार्ड लेने से पहले इस चार्ज के बारे में पूरी जानकारी ले लें। अगला पॉइंट दोस्तों, ओवरसीज ट्रांजेक्शन चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ओवरसीज यानी जब भी आप विदेश में यात्रा करते हैं तो ये चार्ज लगाया जाता है बैंक की तरफ से। ये भी आप क्लियर कर लीजिए तभी क्रेडिट कार्ड लीजिए। क्रेडिट कार्ड देते हुए बहुत सारे बैंक अपने फीचर्स में ये बात शामिल करते हैं कि आप उनका क्रेडिट कार्ड विदेशों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात की जरूरत है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आप पर भारी भरकम चार्ज भी लगते हैं जिसके बारे में बैंक नहीं बताता। अगर आप भी विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और वहां जाकर अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करने की योजना है तो पहले अपने
बैंक से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वह आप पर कितना चार्ज लगाने वाला है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएँ सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।